हाय, दिस वीडियो इज अ स्टोरी ऑफ वन पर्सन जो कॉलेज में एक लूजर था और अभी एक रास्ते पे चल गया है जिसको ट्रेल ब्लेजर बनना है। एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ट्रेल ब्लेजर। एक बंदा मुझे कमेंट करके बोलता है, भाई फोर्थ ईयर में क्या हुआ था? कॉलेज के फोर्थ ईयर में मैं 14 कंपनियों से रिजेक्ट हुआ था। कॉलेज टाइम में मैं लूजर था और लूजर तो बहुत सारे लोगों के लिए मैं अभी भी हूँ, लेकिन कॉलेज टाइम पर मैं खुद की नजरों में लूजर था। मैं लूजर और ये एमलेस लाइफ चूज नहीं किया, ये जस्ट मेरी गलती थी, क्योंकि मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ। इट टुक 21 ईयर टू अंडरस्टैंड। मैं एक बहुत बेसिक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मुझे चीजों को बदलने के लिए खुद कुछ करना पड़ेगा, और तब से मुझे एम मिला, जॉब चाहिए है। बट तुम लोगों को पता, मैं हमेशा यूट्यूबर बनना चाहता था, यूट्यूब पे सक्सेस होना चाहता था, और एक मन मेरा किया भी कि मैं अपने फैमिली वालों से बोलूं कि मुझे एक साल का टाइम दो, यूट्यूब करने दो। बट जैसे कॉलेज से बाहर निकला ना, मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई। देखो, तुम्हारे पास दो चॉइसेस है पैशन को फॉलो करने के लिए, एक जॉब करो, साइड बाई साइड वर्क करो, और दूसरा अगर तुम्हारी फैमिली स्टेबल है और लाइक उनको कर सकती है तो तुम ले सकते हो। मेरे साथ ये केस था, मैंने वहीं पर डिसाइड कर लिया था, जॉब करूंगा, सैटरडे संडे को टाइम मिलेगा उस टाइम मैं यूट्यूब करूंगा और बाकी जॉब लूंगा। और मैं उस टाइम घर पर था तो मुझे पता नहीं था कि जॉब मिलना इतना टफ होने वाला है। एक टाइम था जब जॉब लेना मेरे लिए एक ड्रीम बन गया था। पूरे वक्त की भी एक बात अच्छी होती है, वो भी गुजर जाता है। मेरा भी ये बुरा वक्त गुजर गया और इस बुरे वक्त ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। अभी मैं एक अच्छी आईटी कंपनी में हूँ। बट तुम्हें पता है, मैं लाइफ में ना ये मिडिल क्लास फैमिली वाले ट्रैप में नहीं फंसना चाहता हूँ, मुझे भी अमीर बनना है। वन ओल्ड स्टोरी। अगर कोई बंदा किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, और तुम उस बंदे का इंटरेस्ट को लेके उस पर मजाक उड़ा रहे हो और उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो या फिर डिमोरलाइज कर रहे हो, यू आर द वर्स्ट टाइप ऑफ पर्सन। हमेशा से ये चीज़ हुई है, पता है, मैं जिस चीज़ को लेके आता है या जो भी चीज़ मैं डिस्कशन करता, लोग सीरियस नहीं है, मजाक उड़ा रहे हैं, और मुझे पहले बहुत गुस्सा आती थी। बट अब बाहर में जाए चूती हैं वो लोग, ये सोच के अपने काम पर फोकस रखता हूँ। तभी शायद कॉलेज में मैं एक वेबसाइट बनाया था और एक अनबॉक्सिंग वीडियोस करके एक चीज़ बनाया था। वेलकम ऑन अनबॉक्सिंग वीडियोस, वेयर वी क्रिएट वीडियोस फॉर यू एंड फॉर एवरीवन। इफ यू नीड अ वीडियो देन जस्ट गो टू अनबॉक्सिंग वीडियोस, शेयर व्हाट यू वांट एंड वी विल क्रिएट वीडियो फॉर यू ओनली ऑन अनबॉक्सिंग वीडियोस। ऑर्डर नाउ। We make video for everyone what you need. We make intro, outro, logo, banner, and stream opener, channel, trailer. Just visit our site and watch demo videos that you like and just order now. Oh, what are you waiting? सोचा था कि लोगों को anniversary videos बना बना के मैं deliver करूँगा, एक service start करूँगा, but किसी ने support नहीं दिखाया और वो वहीं पर खत्म हो गया। Success is the best smile you can bring on your face. मैं कॉलेज में backbencher था, वही backbencher जो टीचरों की नजरों में ये रहता था कि इसका कुछ नहीं होगा। पढ़ाकू और जो टॉपर्स होते थे उनकी नजरों में अमीर बाप का लड़का है, पिताजी का पैसा उड़ा रहा है, अमीर नहीं होगा। उनका ऐसा सोचना सही भी है, क्योंकि मैं कॉलेज लेट आ रहा हूँ, असाइनमेंट्स नहीं बना रहा हूँ, अटेंडेंस नहीं है 75%। मैंने अपनी कॉलेज लाइफ बहुत एंजॉय किया है, बहुत चिल मारा है, एंड आई फील लकी, मुझे रिग्रेट नहीं होता है कि मैंने कॉलेज एंजॉय नहीं किया है। वहीं पर कुछ बंदे होंगे जो टॉपर्स जो पढ़ते हैं, लगा कि नहीं कॉलेज में पढ़ाई किया, उस शायद ही जो अभी काम कर रहे हैं वो यूटिलाइज हो रहे हो। And I'm happy. There are some people who are topper और आगे बैठे थे दम दम से पढ़े, वो भी वहीं पर हैं, हम भी यहीं पर हैं, और कुछ से तो अच्छी जगह पर हूँ पता है। बट बुरा क्या लगता है? When they doubt on potential, they doubt on your capabilities. कॉलेज में प्रोजेक्ट्स के लिए टीम बनती है ना, तो मुझे कोई शायद लेना नहीं चाहता था, बट वो तो टीचर्स ने जबरदस्ती लिस्ट बनाई तो एक टीम में आ गया, बट कोई मुझे लेना ही नहीं चाहता था। दिस इज हाउ वीडियो स्टार्ट। Those people who used to think आज तुमसे अच्छे गिटहब पर प्रोजेक्ट्स हैं मेरे,
आज तुमसे ज्यादा अच्छी चीजें आती है मुझे। मैं उन सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन्होंने डाउट किया मेरे पोटेंशियल पे, क्योंकि आज उन लोगों से मुझे मतलब कुछ नहीं है, बट उन लोगों की वजह से मैं बहुत सारी चीजें सीख गया हूँ। AWS, Amazon AWS पे मेरा ब्लॉग डिप्लॉय है, मुझे उस पर एप्लीकेशन बिल्ड करना आता है और उसके जो भी सॉफ्टवेयर है, AWS काफी हद तक मुझे आने लगा है उसकी फंक्शनैलिटी। उसके अलावा मुझे वेब डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्ट था, तो मुझे UI UX जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से आने लगा है। मुझे बैक एंड भी सीखना है, मुझे जावा आती है बट उसका फ्रेमवर्क नहीं सीखा हूँ, जैसे कि JSP और सर्वलेट और हाइबरनेट, इसलिए मैं बैक एंड में थोड़ा मात खा रहा हूँ, बट वो सीखूंगा। जावा स्क्रिप्ट सीखूंगा, पाइथन थोड़ी थोड़ी सीखूंगा, जो भी कन्वीनियंट लगे। देखो दो टाइप के लोग होते हैं, एक बोलते हैं एक चीज को सीख लो उसको आगे बढ़ो, बट एक्चुअली मैं एक चीज को सीख के गया उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो मुझे उन दो तीन चीजों के बारे में नहीं पता था। चीजों को एक्सप्लोर करो, पता करो, तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट आएगा ना तुम उसमें मास्टर बन जाओगे, और अपने इंटरेस्ट को ढूंढने की कोशिश करो। वो तुम्हें कैसे मिलेगा, जब तुम ये सब चीजें ट्राई करोगे, क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है। पता है जब मैं फ्रंट एंड का एक प्रोजेक्ट बनाया था जे स्पाइडर के लिए, और उसको सिसरा सर जो वहाँ के फाउंडर हैं उनको दिखाया था, और एक रघु सर हैं, तो पता है वो मुझे क्या बोले थे, वो बोले थे तुम्हारा इंटरेस्ट इस डायरेक्शन में, तुम इस डायरेक्शन में जाओ। और वो लोग इतना इम्प्रेस थे ना, वो जो मैंने प्रोजेक्ट उनके लिए बनाया था, आज भी याद है मुझे उन्होंने जब ये बोला था कि तुम्हारा इंटरेस्ट मुझे समझ में आ गया है कहाँ पर है। और मेरी जब जॉब लगी थी तो वो मुझे बोलते थे हमको पता था तुम्हारी लग जाएगी, क्योंकि हमको तुम्हारा इंटरेस्ट दिख गया था। इंटरेस्ट था फ्रंट एंड, और मेरा फ्रंट एंड में तुम वेबसाइट्स और प्रोजेक्ट्स देखोगे आगे आके कि मुझे कितना इंटरेस्ट है और किस तरीके से मैं चीज़ें बनाता हूँ। सो मैं तो यही करता हूँ, मैं चीज़ों को देखता जाता हूँ, अगर इंटरेस्ट आता है तो उसको रखता हूँ, वरना छोड़ के आगे निकल जाता हूँ। ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। AWS में आज अगर अच्छे से सीख पाया हूँ तो मुझे पता चला कि यार ईजी है और बन रहा है मुझसे, और मजा आता है, और किसी किसी के लिए वो बहुत ज्यादा टफ है। मैं नोट देना चाहता हूँ यहाँ पर, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करके देते हैं कि भाई पाइथन और जेंगो आता है कैसा स्कोप है, मुझे वेब डेवलपमेंट आता है बेंगलोर में कैसा स्कोप है, मुझे जावा आता है कैसा स्कोप है। तो हर टेक्नोलॉजी के लिए मैं एक क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ मेरे परस्पेक्टिव से। तुम जिस चीज में परफेक्ट हो ना और बहुत बेस्ट हो, उस चीज का हर एक चीज का स्कोप है, ट्रस्ट मी। तुम अगर पुरानी टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हो लेकिन तुम उसके मास्टर हो ना, तो उसमें भी स्कोप है, उसमें भी तुम पैसा कमा सकते हो। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, सो डोंट थिंक अबाउट स्कोप, थिंक अबाउट यू आर मास्टर इन इट और नॉट। बस पढ़ता जाऊंगा, सीखूंगा, यही है मेरा बस अब। और इसके अलावा मुझे मेरा डोमेन है सेल्सफोर्स, तो मुझे सेल्सफोर्स पे आइंस्टाइन एनालिटिक्स पे एप्स बनानी आती है। IPL आ रहा है, तो IPL का डेटा एनालाइज करके अपन डैशबोर्ड बनाएंगे, उसकी एप्लीकेशन है मेरे माइंड में, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। ये सब उन्हीं लोगों की वजह से जिनने मुझे डाउट किया। और दूसरी चीज़ मेरी क्यूरियोसिटी। सोच रहे होगे कि तुम इतना सारा क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हारी तो जॉब लग गई है, बट भाई यू गेट पेड फॉर योर स्किल्स, यहीं पर थोड़ी ना रुकना है। और दूसरी वजह ये है, मैं जब कॉलेज से लास्ट डे निकल के आ रहा था ना, तो मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था, जिन भी लोगों की जॉब लगी है, जिनका कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ है, मेरा नहीं लगा है, आज से 5 साल बाद मैं जितने भी लोग कॉलेज से प्लेस हुए हैं उनसे ज़्यादा पैकेज अर्न करूँगा, उससे ज़्यादा मनी अर्न करूँगा। मैं ये प्रॉमिस किया था अपने आप से, और उसी प्रॉमिस के लिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। जो मेहनत कर रहा हूँ ना, वो मैं वाकई में कर रहा हूँ। मैं must be having a question that how you manage a time by doing job and following your passion. देखो ऐसी बात है कि मेरे को सैटरडे संडे मिलता है, तो उस पर मैं खुद को टाइम देने की जगह अपने ड्रीम्स को टाइम देता हूँ। और उसके अलावा जो मेरा आई एम सॉरी व्लॉग है, वो मैं आधे से ज़्यादा उसका कोड बस में कोड किया हूँ, और बस में ट्रैफिक में मैं जब रहता हूँ ना, तो उस टाइम को यूटिलाइज करता हूँ।
सब्जेक्ट था और ट्रिल ब्लेजर क्या कहलाते हैं वो इस वीडियो में नहीं कर पाया कवर, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। नेक्स्ट वीडियो में आएगा व्लॉगूमेंट्री और मेरे प्रोजेक्ट्स, तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। और अगर ये वीडियो एंजॉय किया हो तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और कमेंट करके बताना कैसा लगा। अभी अपन चला ऑफिस, बाय। इन अ लाइफ ट्राई टू बिकम अ ट्रेल ब्लेजर। Avoid the distractions, I'm snapping, no captions, attracting reactions, adapting, attacking, commanding the masses, I'm practicing habits, I don't fucking ask it, I just fucking grab it, I am never static, massively active, expanding, bachelor, planning to have it, so I will go capture it, and I'ma stay after it, I'm gonna fucking master it, put them on blast it, they will never last it, don't be so dramatic, not my demographic, this